हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा। आज बात करने वाला हूँ आपके लिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, टॉप 10 जॉब्स इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये जो छोटा सा सेशन है आप सभी लोगों के लिए, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले तो सारी जॉब कौन सी हैं आपके पास, और उसके बाद टॉप 10 जॉब्स कौन सी है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, यहां पे मैंने टारगेट किया है बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को, एमएससी को मैंने इंक्लूड नहीं किया। मतलब एमएससी वाले बच्चे बाय डिफॉल्ट बीएससी वाला एग्जाम तो दे ही सकते हैं, लेकिन हाँ, जो ऐसे एग्जाम से जो एमएससी के बाद ही दिए जा सकते हैं उनको मैंने हाल फिलहाल इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। लेकिन बीएससी के बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर से तो आप ये सारे एग्जाम दे सकते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और साथ साथ बात करने वाला हूं टॉप 10 जॉब्स के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड की सबसे बड़ी और उसके बाद छोटी एंड छोटी, है ना, जो भी आप कहे कौन कौन सी जॉब है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ है कि ये बच्चों की क्वेरी है इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना टारगेट अपना बड़ा रखें लेकिन किसी चीज को छोटा मत समझे। जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई भी रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास भी आपको करते रहने चाहिए। तो चलिए, मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा तो बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप पे जाके फ्री नोट्स के लिए, मैंने ऐप का स्क्रीनशॉट लगाया है, ये यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स और यहां पे बुक्स वाले सेक्शन में, ये देखिए ये फ्री बुक वाला सेक्शन है, मैंने ऐप का ही लगाया। बहुत सारी बुक्स मैंने यहां पे और नोट जो है वो फ्री में ऐड किए हुए हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके उसे रजिस्टर करके बिना किसी पेमेंट के इन ऑनलाइन ईबुक्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले तो बात करूंगा सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स की, कौन कौन सी जॉब्स आपके पास है। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको बहुत डिटेल में जानना है सब चीजों के बारे में, तो मेरा एक पहले भी सेशन लिया हुआ है करियर गाइडेंस वेबिनार के नाम से, मेरे ही इसी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। यहां मैं सारी जॉब्स की बात करूंगा, साथ साथ टॉप 10 जॉब्स की बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं जॉब्स जो सेंट्रल लेवल पे हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब्स अलग होती हैं, स्टेट लेवल की जॉब अलग होती है। सेंट्रल लेवल की जॉब में आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके स्कोप ज्यादा होते हैं। स्टेट जॉब कंपैरेटिवली आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाती है जितना आपको सेंट्रल जॉब से मिलता है, लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी होता है कि सेंट्रल जॉब में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी, स्टेट जॉब में आपको आपके स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जब बात करूंगा किसकी, आपके जॉब्स की, यूपीएससी आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। मैं किसी एग्जाम के सिलेबस की बात नहीं करूंगा, वो फिर से वीडियो बनाऊंगा और तब आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल जो जो एग्जाम आप लोग दे सकते हो उसके बारे में बात कर रहा हूं। IFS, UPSC का जो प्री एग्जाम है वो तो सेम ही होगा, लेकिन मेंस के अंदर आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होंगे वहां पे आपको चूज करने के लिए एक क्राइटेरिया मिल जाता है, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो पोस्ट होंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज नाम है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर कौन सी पोस्ट वो भी अलग अलग है ना, उनके बारे में बताऊंगा। हाल फिलहाल अगली जॉब जो है वो आपकी नाबार्ड की, नाबार्ड के अंदर दो टाइप की जॉब को मिलेंगी असिस्टेंट मैनेजर के अंदर, एक ग्रेड ए होगा और एक ग्रेड बी होगा। ग्रेड ए की सैलरी कम होती है, ग्रेड बी की सैलरी ज्यादा होती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है, आरआरबी एसओ के लिए, या फिर इसे एओ कहा जाता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर इसे कहा जाता है। आरआरबी एसओ की जॉब है, इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो सही सही बात बोलूं आपको, अगर आप इस टाइम पे फाइनल ईयर के अंदर है और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करनी है, फिलहाल एमएससी करनी है और उसके बाद मैं अपना फ्यूचर सिक्योर देखता हूं, तो मेरा मानिएगा तो एक्सपीरियंस लीजिए कहीं पे, बिकॉज एमएससी 2 साल में जितना नहीं सिखाएगी उससे कहीं ज्यादा आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। मजाक नहीं करता ऐसे ही जो भी बोल रहा हूं इस टाइम पे, बिना किसी बेनिफिट के बोल रहा हूं, लेकिन आपको एक सही करियर एडवाइस देना चाहता हूं। हाँ, एमएससी भी करिए, लेकिन जो एमएससी कर रहे हैं ना, फिर नेट और पीएचडी तक जाइए, ओनली एमएससी से बेनिफिट उतने नहीं मिलते हैं जितने आपको फर्दर स्टडीज के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं सर, एमएससी नेट पीएचडी तक नहीं जाना, तो बीएससी के बाद या तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, नहीं करनी तो कहीं भी प्राइवेट फील्ड में जॉब कर सकते हैं ताकि एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत आप आगे जाएंगे, गेन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लर्निंग तो एमएससी के अंदर भी है, लर्निंग जॉब के अंदर भी है। आज अगर मुझे आपके सामने बोलना पड़ा, लर्निंग यहां पे भी है, लेकिन बात ही कि अब लर्निंग के साथ साथ आगे जाएगा, एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। तो आरआरबीएसओ के अंदर बीएससी एजे के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि इन दोनों जॉब के लिए किसी टाइप का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बीएससी एजे तो रिक्वायर्ड है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी,
सीडब्ल्यूसी के अंदर दो टाइप की जॉब आती है, एक आता है जेटीए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एक आता है आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट। सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी जो है रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ओकेजनल वैकेंसी है, ये एक दो तीन साल के गैप में रिलीज होती है। सीडब्ल्यूसी एफसीआई का आपको पता ही होगा, वैकेंसी आई हुई, आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, नहीं भरे तो हो सकता है आप इस वीडियो को काफी बाद देख रहे होंगे। तो एफसीआई के अंदर आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जो टेक्निकल पोस्ट है उसके एलिजिबल है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है ये, अच्छी सैलरी देती है, प्लस डेजिग्नेशन बड़ा अच्छा है और वर्क प्रोफाइल भी अच्छा खासा है। बात करेंगे इसके बारे में टॉप 10 जॉब्स के अंदर जब आएंगे। आगे आपके पास जॉब है IFCO AGT एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। IFCO की जो भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छी रैंक तो है ही है, बहुत अच्छी कहूंगा तो फिर नाबार्ड और यूपीएससी या आरआरबीएसओ को बोलूंगा, लेकिन हाँ ये भी अच्छी खासी जॉब है IFCO AGT टॉप 10 के अंदर। फिर से बात करेंगे कौन सी अच्छी और कौन सी नहीं है, आईबीपीएस एएफओ या फिर इसे आरडीओ भी कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, नाम अलग अलग है बट पोस्ट सेम है। ये वैकेंसी जो है रेगुलर बेसिस पे आती है, हर साल रिलीज होती है, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कौन सी एसएससी, आपने ज्यादा वैकेंसी सुनी नहीं होंगी एसएससी के थ्रू, तो मैंने इसलिए नाम भी लिखा असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। इसका एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। एसएससी जनरली एग्जाम के बाद रिजल्ट देने में 2 से 3 साल का समय ले लेती है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी, एक बार सेलेक्ट होगी तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। सेंट्रल लेवल की जॉब की बात कर रहा हूं, स्टेट पे बाद में आऊंगा। उसके अलावा आपके पास एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मार्केटिंग की पोस्ट है, यहां पे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ जॉब तो जॉब ही है। उसके बाद क्रिबको, जैसा IFCO के अंदर है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट क्रिबको के अंदर भी है, FSSAI, ये वैकेंसी अच्छी मानी जाती है, फूड इंस्पेक्टर, लेकिन ये रिलीज हर साल नहीं होती और इसमें हर बार बीएससी एजी नहीं, बहुत सारी पोस्ट हुआ है जो फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए, बहुत सारी हुआ है जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड वालों के लिए है ना, क्योंकि स्ट्रीम ऐसा है FSSAI, लेकिन हाँ बीएससी एजी वालों के लिए भी पोस्ट आती है यहाँ पे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पोस्ट आती है जी, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। ये वैकेंसी 3 साल पहले आई थी, अभी तक नहीं आई है, लेकिन हाँ दोबारा जब आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। एक बात और भी बता दूं, आप लोग ये पूछेंगे मेरे से कि सर ये वैकेंसीज कब आती हैं, तो फिक्स तो है नहीं, तो सिंपल सी बात, चैनल आपके पास है, सब्सक्राइब बटन आपके पास है, दबा दीजिए, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन लेके हम आएंगे ही आएंगे। बस दो चीजों से जुड़े रहा कीजिए, एक हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सेकंड हमारा टेलीग्राम चैनल जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है। वैसे तो आप लोगों का प्यार है वहां पे, ऑलरेडी 70-75 हजार लोग है, लेकिन हाँ अपडेट चाहिए तो जुड़े रहिए उनके साथ। उसके बाद आपके सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, एनएससी के अंदर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जूनियर ट्रेनी और साथ साथ सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनी। जूनियर ट्रेनी जो बीएससी एग्रीकल्चर के बेस पे जाएंगे और सीनियर ट्रेनी जो किस बेस पे जाएंगे, आपके एमएससी के बेस पे जाएंगे। जूनियर ट्रेनी की सैलरी थोड़ी सी कम होती है, 20 से 24 हजार के बीच, जबकि सीनियर ट्रेनी की 28 से 32 हजार के आसपास होती है। बताऊंगा सभी के बारे में फिर से। ये मैंने बात की किसकी, आपकी उन जॉब्स की जो सेंट्रल लेवल पे आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो लेती है। अब बात करता हूं स्टेट जॉब से, उसके बाद बात करूंगा टॉप 10 जॉब्स की, इंडिया में टॉप 10 जॉब कौन कौन सी है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो जब स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स की बात करता हूं, यहां पर आपके पास सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकता है, आपका स्टेट इसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बोलता हो, ग्राम सेवक, कृषि सेवक, कुछ ऐसा भी हो सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर स्टेट लेवल पे आता है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट, ये जनरली साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहां पे इस नाम से वैकेंसी आती है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर कई कई बार वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ना होके हॉर्टिकल्चर में ही अलग वैकेंसी यही होती है, नाम अलग होते हैं। केन सुपरवाइजर जो यूपी की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट ये यूपी के अंदर भी है, प्लस एक टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2015-16 के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में भी आई थी। यूपी वाला जो टी है उतना अच्छा तो नहीं है, ठीक है, बुरा भी नहीं है, है ना, लेकिन जो मिनिस्ट्री के अंदर जॉब आती है ना वो परफेक्ट जॉब है। बट बात ये कि ये जॉब्स बहुत रेयर आती हैं और बहुत लिमिटेड नंबर में आती है, 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी 7 वैकेंसी लोग देखते ही छोड़ देते हैं कि यार 7 वैकेंसी में कहां सिलेक्शन होगा, आप नहीं छोड़ते, हर कोई छोड़ देता है कि अप्लाई करोगे तो फिर पता चलेगा, लोग 2 या 3 वैकेंसी होने से छोड़ देते हैं, हाँ अगर 10-15-20 है फिर इंटरेस्ट आता है। तो ये भाई अगर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर आपका स्टेट पीसीएस, मैं टॉप 10 के अंदर स्टेट पीसीएस की बात करूंगा, जैसे अभी यूपी के अंदर चल रहा है यूपी पीएससी,
बहुत ही अच्छी जॉब है, आइए से जस्ट कह दीजिए हाँ बहुत अच्छी जॉब है, बात करते हैं। उसके अलावा स्टेट एग्जाम में आपके पास क्या है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं ये आपसे अलग अलग एग्जाम लेते हैं। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर या तो वैकेंसी आती है सेक्शन ऑफिसर की या फिर आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO, अभी अभी दिल्ली के अंदर हुआ था रिजल्ट भी उसका रिसेंटली 3-4 महीने पहले अनाउंस हुआ था, है ना। तो ये क्या है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। उसके अलावा आपका जो स्टेट का सीड डिपार्टमेंट है वहां पे सीड ऑफिसर की वैकेंसी आती है, लेकिन अपडेट आपको रहना पड़ता है, छोटी छोटी वैकेंसी है, कभी कभी आती हैं और जैसे ही आती हैं कब्जा आपको कर लेना होता है, मतलब वेट नहीं करना होता, एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन हो जाइए तैयार, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। यहां पे आपको मैंने बताया था स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन जैसे CWC के अंदर दो है, एक तो JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एक सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, वो CWC था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये CWC नहीं है, ये SWC स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। यहां पे प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर की जॉब आती है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जॉब आती है, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर की जॉब आती है, और जहां तक मेरा मानना है सारी की सारी बहुत अच्छी जॉब है। हमारी स्टूडेंट है प्रियंका के नाम से, उसने रिसेंटली राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर ऑल इंडिया नहीं ऑल राजस्थान टॉप भी किया था, मैंने उसकी स्टोरी भी डाली थी शायद आपने देखी होगी। तो ये आपके स्टेट की जॉब्स होगी कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए अब आगे आऊंगा हमारे सेशन के सेकंड पार्ट पे, टॉप 10 जॉब्स एग्रीकल्चर फील्ड में कौन कौन सी हैं। मैंने आपको पीछे जो बताई, हो सकता है कुछ वैकेंसीज मिस हो गई हो, जैसे DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट मैंने ट्राई किया कि उन जॉब्स की बात करूं जो रेगुलर बेसिस पे ना सही लेकिन 2-3 साल के गैप में तो आती हो। तो आप भाई अगर स्टेट की वैकेंसी बोल रहे होंगे तो स्टेट में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे राजस्थान में सुपरवाइजर है तो यूपी के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट है, तो महाराष्ट्र के अंदर कृषि सेवक उसे कह देते हैं, तो कुछ अलग नाम से वैकेंसी हो सकती है। लेकिन यह बात जरूरी है कि आप उन एग्जाम का पैटर्न समझे, आप कोरोना लॉकडाउन ये सब नेगेटिविटी से दूर रहें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, बिकॉज पढ़ाई करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, वैकेंसी तो आज ना तो कल आ ही जाएगी। पेपर अगर तुम्हारा होने वाला था पोस्टपोन हो गया तो आज ना तो कल हो ही जाएगा, लेकिन अगर पेपर पोस्टपोन के साथ साथ तुमने तुम्हारी स्टडी भी पोस्टपोन कर दी है तो सिलेक्शन भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा, ना कि इस साल नहीं होगा अगले साल तैयारी करनी पड़ेगी, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए, राइट। तो बात करते हैं टॉप 10 जॉब्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, आपको क्या लगता है सबसे नंबर 1 पे क्या रखा होगा, सबसे नंबर 1 तो तुम गेस कर लोगे मुझे पता है, है ना, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ी जॉब है, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट वाली जॉब है, और साथ साथ कहूंगा तो भाई सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन मेरे हिसाब से सैलरी उतनी मैटर नहीं करती, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर है अगर वहां पे रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन उस चीज से मिलता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब नए नए बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना तब सैलरी देखते हैं, 20,000 है, 40,000 है, 50 है, 60 है या 70 है, लेकिन एक टाइम के बाद ना बच्चा रिस्पेक्ट देखता है वहां पे कि हाँ डिपार्टमेंट अच्छा है, मेरी रिस्पेक्ट है तो मैं रहूंगा, वरना छोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, है ना। चलो बात करते हैं नंबर 1 जॉब की, जब बात करूंगा एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बड़ी जॉब जो है वो कौन सी, इट इज UPSC IFS। वो अलग बात है ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए नहीं है, और भी कोई हो जो ऑप्शनल के अंदर एग्रीकल्चर ले ले, लेकिन एग्रीकल्चर ऑप्शनल के अंदर कौन लेगा भाई, BSc AG वाले बच्चे ही तो लेंगे और थोड़ी कोई ले पाएगा। एंड अगर एनुअल पैकेज की बात करूं लगभग 10-13 लाख, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जाके कौन सी पोस्ट आपको मिलती है वो डिपेंड करता है, 10-13 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है इसका, मतलब एनुअल जो इनकम है, मैंने जो टॉप 10 के अंदर जॉब डाली है वहां पे इनकम को एनुअली लिखा है कि एक साल के अंदर आप कितनी सैलरी लेंगे, तो लगभग 10-13 लाख की सैलरी, मतलब महीने का 1 लाख का एवरेज आप मान लीजिए UPSC IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आपको देता है। नंबर 2 जॉब पे चलेंगे, सो हमारे काउंटडाउन के अंदर नंबर 2 जो जॉब है यहां पे मैंने रखा है किसको, नाबार्ड ग्रेड ए और बी को। मैंने शुरू में ही कहा था कि नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी थोड़ी कम होती है और ग्रेड बी की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, ग्रेड ए का जो पैकेज है वो 7-8 लाख, जबकि ग्रेड बी का जो पैकेज है वो 8-9.5 लाख तक चला जाता है, किस केस में, एनएम के केस में, मतलब पर एनएम यानी कि एक साल की जो सैलरी है। नाबार्ड की जो जॉब है ये भी सब लोगों के लिए अवेलेबल है, एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग दे सकते हैं, लेकिन नाबार्ड अपने एग्जाम में एक सेक्शन पूछता है जिसका नाम होता है ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर 40 क्वेश्चन वो पूछता है, मुझे आप बताओ कि 40 क्वेश्चन कौन आंसर करेगा,
एग्रीकल्चर वाले करेंगे, बाहर के बच्चे करेंगे, करेंगे तो एग्रीकल्चर वाले, लेकिन एग्रीकल्चर वालों का हौसला उतना बड़ा नहीं होता, डर जाते हैं हर बार। तो यही होता है, कितने सारे वो बच्चे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे लेकिन सेलेक्ट हुए जो एग्रीकल्चर से, वो नहीं हो, बिकॉज एग्रीकल्चर वाला डर जाता है, अच्छा 9 लाख की जॉब है फिर तो मेरे लिए नहीं बनी। सपने बड़े कीजिए, अपने सपने बड़े करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करो, सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेरे भाई सपने देखने पड़ते हैं, जब तक सपने देखे नहीं तो भगवान चल के नहीं आएगा। नंबर 2 पे मैंने बोला NABARD, उसके बाद नंबर 3 पे चलता हूं। नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी वैकेंसी है, स्टेट PCS। मैंने आपको बताया, मैंने लोगो भी उत्तर प्रदेश सरकार का लगाया है, अभी अभी स्टेट के अंदर वैकेंसी चल भी रही है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। UPPSC हम भी एक बैच चला रहे हैं DHO के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बात करूं तो ये भी अलग अलग रैंक के हिसाब से है। स्टेट PCS के अंदर 6 से 12 लाख तक का पैकेज मिलता है पर एनम का, मतलब 50,000-60,000 से लेके 1 लाख सैलरी तक की जॉब है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट पे गए हो, लेकिन आप देखिए ना 1 लाख का पैकेज अगर आपके पास होगा, और ये रिस्पेक्ट जो है ना सबसे बड़ी है। तो थर्ड रैंक पे जिसको मैंने रखा वो क्या है आपका स्टेट PCS। उसके बाद फोर्थ रैंक पे आता हूं, हमारे पास फोर्थ रैंक पे जो हमारी जॉब है ये कौन सी है, इट इज RRBSO। मैंने जिक्र किया था शुरू में है ना, RRBSO की सैलरी रिसेंटली रिवाइज हुई है, ग्रोस सैलरी जो है महीने की लगभग लगभग 80,000 के आसपास है, मैंने एनुअल पैकेज यहां पे लिखा हुआ है, 8 से 10 लाख का इसका एनुअल पैकेज है। बस हाँ, इसको लेने के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ, राइट। तो हमारा जो जॉब नंबर 4 या टॉप 4 में है वो कौन आ गया, RRBSO। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वेट कर रहे हैं एक वैकेंसी का कि सर 4 निकाल दिए वो कब आएगी। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाँ उस आप जो समझ रहे हैं मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, आएगी वो भी आएगी है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना कि भाई मेरे पास जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो जो बच्ची है, या मैं एक रियल सिनेरियो आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि MSc को प्रेफरेंस देने के बजाय अगर वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दोगे ना यार, तो लाइफ में आगे जाओगे, बाकी आपको जैसे ठीक लगे है ना। ओके, सो जॉब नंबर 5 पे टॉप जॉब जो है एग्रीकल्चर में, 5th रैंक पे जिसको मैंने रखा ये कौन है आपका, FCI। अभी मैं बात कर रहा था है ना, जो आपका 3rd के 3rd ग्रेड के अंदर आपका कौन सा टेक्निकल पोस्ट है, इसकी जो सैलरी की बात करूंगा तो पर एनम जो है लगभग 5 से 6 लाख नॉर्मल सैलरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, बिकॉज 5 से 6 लाख का मतलब 50,000 का एवरेज हो गया, शुरू में थोड़ी कम है 2 साल का ज्यादा हो जाती है। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, ऐसा भी है कि FCI जब आपको जॉब देगा तो पुराना सा ऑफिस दे देगा, अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे सेल्फी लेके व्हाट्सएप स्टेटस पे तो नहीं डाल पाओगे, लेकिन सुकून की लाइफ है यहाँ पे, नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट से, पब्लिक से डील नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहा कि काम चोरी करिए, काम यहां भी करना पड़ता है लेकिन सुकून इसलिए कि बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा यहां पे नहीं है। अगर आप विलिंग है कि मुझे प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बहुत बड़ी जॉब के लिए जाना चाहिए, बिकॉज जितनी बड़ी जॉब होगी प्रेशर फिर बढ़ता जाता है। जब मैंने IFS बोला तो UPSC जो आपको सेलेक्ट करेगा, हम देखिए ना IAS IPS ऑफिसर नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन प्रेशर कितना होता है इन लोगों पे, जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना मुश्किल डिस्ट्रिक्ट उसे दे दिया जाता है। चलिए, सो हमारा टॉप 5 जो जॉब थी वो कौन सी थी, FCI की। FCI की वैकेंसी आई हुई, आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जो हमारा रैंक 6 है ये कौन सी है, TGT PGT। TGT PGT क्या होता है भाई, TGT PGT की बात करें तो ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, राइट। तो TGT PGT या फिर इसे स्कूल लेक्चरर आप कह दीजिए, राजस्थान के अंदर रिसेंटली वैकेंसी आई थी जहां पे उन्होंने कहा कि BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ BEd चाहिए। जनरली BSc के बाद बच्चे BEd करते ही नहीं है, लेकिन तब से राजस्थान में BEd का रुझान बहुत हो गया है, बच्चे BSc कर रहे हैं और साथ साथ BEd को भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वो वैकेंसी आएगी। तो स्कूल लेक्चरर बोलिए, TGT बोलिए, PGT बोलिए, एनुअल पैकेज जो है वो 5 से 6 लाख का, मतलब 50,000 के आसपास, मैं शुरू की सैलरी बता रहा हूं, बाद में 70-80-90 तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ जो है 5 से 6 लाख का पैकेज है। लेकिन आप समझ सकते हैं ये जॉब अच्छी क्यों मान रहा हूं, क्योंकि टीचर की जॉब है, टीचर की जो प्रोफेशन है ना, जो टीचिंग प्रोफेशन है, बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। हम खुद को हम नहीं सॉरी मैं क्योंकि ये यूपी वाला सर है, कभी कभी हम बोल देता हूं, मैं खुद को उतना बड़ा तो नहीं मानता, लेकिन लोग जब गुरुजी कहते हैं तो लगता है यार गुरु वर्ड के अंदर बहुत बड़ी पावर है, बड़ी रिस्पेक्ट सी फील होती है। तो ये प्रोफेशन अपने आप में बहुत अच्छा है, सैलरी के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट जो है यहां मिल जाती है। TGT PGT नंबर 6 पे रखा, मैं नंबर 7 की बात करता हूं जिसका वेट कर रहे हैं। हाँ, नंबर 7 पे मैंने रखा है किसको, IBPS AFO। अब देखो यहां पे इसका जो पैकेज है ये भी 4.5 से 6 लाख का ही है, ये जो पैकेज था पिछली जॉब का ये कितना, 5 से 6 लाख, लेकिन लगभग लगभग सेम है। अब सेम है तो भाई इसको मैंने 6 पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बैंकिंग जॉब है,
आपको पता है ना, बैंकिंग जॉब के लिए थोड़ा सा समझ के जो बोलना चाह रहा हूं, हाँ ऐसा ही कुछ है। अब तो सिनेरियो भी चेंज हो गया, क्या है रहे हैं? बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए ना, उनको भी डाउट आ रहा है। मेरे सेलेक्टेड बच्चे फोन करते हैं, सर प्राइवेट हो जाएगा? अब ये तो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन बात ये कि ये पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, 4 बजे तक तो पब्लिक से डील करना पड़ेगा, फिर शटर डाउन कर दिया जाएगा। अब भी भाई साहब काम करना पड़ेगा, 5:30 बज जाना बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वर्कलोड ज्यादा हो तो 7, 8:30 भी बज सकता है। तो सुबह के 10 से 7 बजे तक वो भी एक हेक्टिक जॉब हो जाती है। बुरी जॉब नहीं है सर, बहुत अच्छी जॉब है, बिकॉज 4.5 से 6 लाख का पैकेज देती है। आप समझे, 50,000 रुपए पॉकेट में जब आएंगे महीने के, बहुत अच्छी बात है। ये रिस्पेक्ट वहां पे भी है, बट थोड़ा सा वर्क प्रेशर यहां पे है, तो इसलिए मैंने उसको 6 पे ना रख के नंबर 7 पे रखा। चलिए आगे चलते हैं। टॉप 10 के अंदर हमारे पास नंबर 8 में कौन है? नंबर 8 में इफको या क्रिप्को। इनकी सैलरी थोड़ी सी उनसे कम है, है ना, 4 से 4.5 लाख का एनुअल पैकेज है इनका। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी एग्जाम की साथ साथ तैयारी करनी है, मेरे सपने बड़े हैं, तो फिर बैंकिंग जॉब में मत जाइए, बिकॉज बैंकिंग जॉब आपको साथ साथ तैयारी करने का ऑप्शन नहीं देंगे। फिर छोटी जॉब के अंदर जाइए, इफको के अंदर जाएंगे ना, तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा, बिकॉज ऑफिस आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्सटेंड नहीं होंगे, बैंक एक्सटेंड कर देगा, तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मेरे भाई और बहन सेलेक्ट हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बीएससी पास आउट है या होने वाले हैं और अपना करियर देख रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो मैं जेन्युइन से एडवाइस दे रहा हूं आपको कि क्या आपको करना चाहिए। वैसे काम एक छोटा सा करना, कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो मन की, करना वो जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन बस मैं मेरा ट्राई कर रहा हूं कि 100% आप लोगों को दे सकूं, बता सकूं क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ये जरूर है कि नंबर 1 की जॉब हो या नंबर 10 की जॉब हो, सर पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ जी नहीं, सिर्फ जान नहीं सर, तन मन और धन सब लगाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। क्योंकि लोग कहते हैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, घर से बाहर हूं घर की याद आ रही है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अपनों के लिए सपने या सपनों के लिए अपने तो दूर होते ही होते हैं, तो या तो अपनों के पास रहिए सपनों को छोड़ दीजिए, या सपनों के पास रहिए अपनों को छोड़ दीजिए, कोई एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, सो 8 पे हमने रखा इफको और क्रिप्को को। अभी भी आपको इफको की बात मैंने करी थी ना, AGT की जो पोस्ट आती है, अच्छी पोस्ट है सर, बुरी नहीं है, 40-42 हज़ार की मंथली सैलरी देता है, अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिल जाता है, थोड़ा सा काम मिलता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, पैसा ले रहे हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारी सेकंड लास्ट जॉब की बात करते हैं। 9th रैंक पे जिस जॉब को मैंने रखा है, ये है आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो आपको अलग अलग काफी सारी पोस्ट देता है। मेनली जो पोस्ट है, वैसे मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, जूनियर ट्रेनी, बड़े सारी पोस्ट है इसके अंदर। मैंने 2 का जिक्र यहां पे किया है, जूनियर ट्रेनी और सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनी। जूनियर के अंदर बीएससी एजी वाले बच्चे जाते हैं, सीनियर के अंदर आप तब जाएंगे अगर आपने मास्टर्स यानी कि एमएससी किया हुआ है। तो ये जो है जूनियर ट्रेनी लगभग कुछ 20 से 25 हज़ार के बीच में रहता है, और जो आपका सीनियर ट्रेनी वो 28 से 32 हज़ार के बीच में हायर होता है, राइट। तो सैलरी पैकेज जो है लगभग 3 से 4 लाख पर एनम का मिलता है। चलता हूं हमारे 10th रैंक पे। अब आप सोच रहे हैं सर सबसे नीचे किसको रखा है? देखिए मेरे भाई, सीधी बात बताऊं, जब तक बेरोजगार है ना, जो मिल जाए वो अच्छा है। लेकिन हाँ, मुझे रैंक जब मिला तो मैंने कर दिया भाई कि ये सबसे अच्छी और ये सबसे नीचे आ गई है, बट सबसे बुरी नहीं कह रहा हूं सर। हाँ, ये है कि इनसे कंपैरेटिवली जो पहले बता चुका वो बेटर थी। चलिए तो बात करते हैं किसकी, हमारे नंबर 10 पे जिसको मैंने रखा, यहां पे रखा मैंने TA को, केन सुपरवाइजर को, या फिर राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होता है सुपरवाइजर, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो होता है कृषि सेवक, या फिर अलग अलग स्टेट के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, जहां पे आपको सैलरी 18 से 25 हज़ार के बीच में, 28 हज़ार तक हो सकती है, बट 30,000 से बिलो जो होती है। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, है ना, थोड़ा बहुत ड्यूटीज है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता है। फिर चाहे वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट यूपी के अंदर, केन सुपरवाइजर यूपी के अंदर, सुपरवाइजर राजस्थान के अंदर, कृषि सेवक महाराष्ट्र के अंदर हो, पैकेज जो है लगभग 2.5 लाख से 4 लाख तक का वेरिएशन है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट जॉब है। कोई स्टेट है वो 25-26 हज़ार दे रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेट 16 हज़ार से स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, तो वेरिएशन है अलग अलग, बट हाँ ये जो है कंपैरेटिवली इतनी अच्छी जॉब नहीं मानी जाती। लेकिन ये भी है, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, फिर ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम ये जॉब आपको अच्छे से दे देंगी। पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल नहीं रोकती, अगर सपने हैं और जज्बा है तो आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में ही कह दिया आपको, अपनों के लिए सपने या सपनों के लिए अपने तो आपको दूर करने ही पड़ेंगे। ऐसा कहते हैं ना कि सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। तो आपके सपने अगर ऊंचे है ना, कौन से वाले, 10 नंबर वाले नहीं, 1, 2, 3, 4 नंबर वाले सपने हैं ना, तो फिर तैयार हो जाए, इम्तिहान भी आपके जबरदस्त होने वाले हैं। तो ये थी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर टॉप 10 जॉब्स। इसके बाद
आप लोग मुझे पता है कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिख ही रहे होंगे, तो मैंने पहले से लिख दिया। बिकॉज होता है ना, एक होता है दिमाग वाला कनेक्शन, एक होता है दिल वाला कनेक्शन। क्योंकि आज जब कोई भी वीडियो YouTube पे डालता हूं, बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूं, कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं होता। पता है कि इस पे हाईएस्ट व्यूज आ ही जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? बिकॉज ये जो सामने मेरे व्यूअर्स है ना, प्यारे प्यारे, इनका प्यार मेरे साथ है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो। तो वो दिल वाला कनेक्शन तुम लोगों के साथ, तो पहले से पता है कि तुम कमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ लिख रहे होगे। बिकॉज इस टाइम पे कैमरे को देख रहा हूं तो कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम मुझे ऐसी बातें लिख रहे हो, तो मैंने पहले से यहां पर लिखी हुई है। वीडियोस के अंदर फिर से आपके पास आ जाऊंगा, आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी कैट में इंटरेस्टेड है, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, एक सॉलिड करियर ऑप्शन है। दो आईआईएम है जो इस टाइम आपको एबीएम की डिग्री दे रहे हैं। सर, आईआईएम से आपने एबीएम लिया ना, बस लाइफ आपकी सेटल है, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, बट कैट देना पड़ेगा। कैट की तैयारी कैसे कर सकते हैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एबीएम, एबीएम आपका जो ICR एग्जाम लेते हैं, JRF है ना, अलग अलग सब्जेक्ट है, JRF ने एक स्ट्रीम बना दिया, ABM वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जनरली आप ABM करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ABM लड़कों के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है। लड़की क्यों नहीं बोला मैंने, लड़कियां थोड़ा सा मार्केटिंग फील्ड में कम इंटरेस्टेड होती हैं। लेकिन अगर आप लड़की और मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर जाने से, तो ABM भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज स्कोप वहां पे होता है जहां पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं। तो एमएससी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग हैं। एबीएम हुआ, ये नया फील्ड है, यहां पे स्कोप ज्यादा है, है ना। बड़ी सारी कंपनियां जो एबीएम को देखते ही हायर कर लेते हैं, एबीएम या फिर आप इसे एमबीए कहते होंगे, बात करूंगा इसके बारे में। व्हाट टू स्टडी फॉर एफसीआई एग्जाम, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी है जो एफसीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एफसीआई की बातें भी आपके साथ करूंगा कि एफसीआई एग्जाम के लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेटेजी टू क्रैक एमएससी एंट्रेंस, ऐसा भी है एग्जाम डिले चाहिए हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का जज्बा जो है वो रुकता ही नहीं है ना, जज्बा जो है वो थमता ही नहीं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एंड दे वांटेड टू नो कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर मुझे यूपी कैटेट का, बीएचयू का, राजस्थान प्री पीजी का, या फिर किसी और स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम जो एमएससी का वो क्वालिफाई करना है, उसकी बात भी करूंगा। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें होती है, अगर उनको ध्यान दे लिया जाए ना, हमारा सिलेक्शन होना 50% चांसेस बढ़ा देता है। लेकिन छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, बट ये भी है कि उन छोटी छोटी बातों के साथ एक मोटी बात ध्यान रखनी पड़ती है, वो है हार्डवर्क। हाँ, आज के टाइम में स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क बाद में, हार्डवर्क पहले। बिकॉज रात के 2 बजे तक पढ़ना पड़े तो वो स्मार्ट वर्क बाद में और हार्डवर्क पहले हो जाता है। उसके बाद बात करूंगा स्पेशल नोट्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। हम पिछले 3 महीनों से इस पे वर्क कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस से हैं जिनको एक सोर्स चाहिए, है ना, यहां वहां से नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम जब देंगे ना, हम समराइज फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में, और एक प्रॉपरली जनरेट किया गया जो हर बच्चे काम आए। तो हमने अलग से शुरू में दिखाया था आपको, ऐप के ऊपर सेक्शन बनवा दिया बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स का। अभी के लिए वहां पे कोई भी नोट्स नहीं है, बुक सेक्शन बहुत सारी बुक्स डाली है, बट हाँ बीएससी एजी के नोट्स भी जल्दी से लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप की कुछ आपकी क्वेरीज थी, सो कुछ और होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स है, मैं बाद में देख लूंगा उसे, और फिर अगली बार जब आऊंगा तो अगली बार आते समय आपके उन वैल्यूएबल कमेंट्स को ध्यान रखूंगा, और वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर भी दूंगा। बाकी हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग नहीं है तो मेक श्योर के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एग्री कोचिंग चंडीगढ़। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए तो शायद नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 70,000 वहां पे हैं, लेकिन आप अपडेट रहिए हर चीजों से। आप लोग जब कमेंट्स में लिखते हैं ना कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, वो कब आएगी, तो जब भी कुछ आएगा ना, हम डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। जब कुछ बड़ा वीडियो होता है तो मैं यूट्यूब पे आ जाता हूं, जब कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए, टेलीग्राम पे आ जाइए साथ साथ डेली अपडेट्स के लिए, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं डालता हूं। मैं अभी तक मेरे 3-4 चैनल के अंदर लगभग 20,000 से 25,000 क्वेश्चन डाल चुका हूं। मैं नहीं डालता, मेरे बिहाफ पे बाकी लोग डालते हैं, लेकिन हाँ 20,000 से 25,000 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। एग्री कोचिंग जयपुर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्री कोचिंग इलाहाबाद, एग्री कोचिंग चंडीगढ़, ये मेन हमारे चैनल है। कानपुर भी हमारा मेन चैनल है, एग्री कोचिंग कानपुर, बट वहां के हमारे जो मैनेजर थे वो रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आजकल थोड़ा सा वो डोरमेंसी के अंदर है, बट हाँ हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार बनाए रखने बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।